अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आपका झगड़ा हो गया है मोदी साहब चाइना के साथ, तो मैं दरमियान में मीडिएट कराऊं? ओ भाई, इंडिया आपका इत्तेहादी है, इंडिया तो आपका इत्तेहादी था आखिरी तलात आने तक। आप कह रहे हैं कि मैं चाइना के और तुम्हारे झगड़े के दरमियान मीडिएट कराऊं? यानी जैसे वो कश्मीर मीडिएट कराने की बात की थी ना, तो पता चला कि मीडिएट कराने आए, इस दफा जो था वो चाइना ले गया उठा के, क्योंकि वो अभी तक अपना दोस्त कहते हैं शी जिनपिंग को, ट्रंप जो है। अब मामला ये है कि वो कहते हैं, मतलब वो एक मोटी अजीब सा आदमी है ना ट्रंप भी, वो मतलब उसका उसने ट्वीट करके तो इंडिया को और परेशानी में डाल दिया कि भाई आप तो इत्तेहादी थे, आपको तो मदद करनी थी उस मरहले पे आके, आप कह रहे हैं कि मैं बीच में मीडिएट करूं, और इंडिया की कभी पॉलिसी नहीं रही। इंडिया तो ये कश्मीर के ऊपर भी, मकबूजा कश्मीर में भी परेशान हो गया था कि थर्ड पार्टी क्यों आ गई है। अब मीडिएट करवाने के लिए चाइना के साथ, वो अमरीका जिसकी पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी नाकाम हो गई है मुकम्मल तौर पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम निकल गया हाथ से, कल भी मैंने जिक्र किया था। अच्छा, नेपाल के अंदर जो है इंडिया ने खुद, अमेरिका नहीं, इंडिया ने खुद कोशिश की है वहाँ पे कि जो जो हकूमत में इस वक्त मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टीज, आपको पता है इंडिया के जो आर्मी चीफ होते हैं वहाँ के ऑनररी जनरल होते हैं, नेपाल के ऑनररी जनरल एक माहदे के तहत, तो नेपाल में चूंकि चीन नवाज हुकूमत है इसलिए इस बात के मुकम्मल इम्कानात हैं कि वहाँ पर आने वाले दिनों में हुकूमत गिरा दी जाए, इंडिया वहाँ पर हुकूमत गिरा दे नेपाल की। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि नेपाल के अंदर मार्शल लॉ लग जाए आने वाले दिनों में। नेपाल के अंदर सियासी तौर पर इंडिया के लिए बहुत तकलीफ दे पाता है कि नेपाल ने उनको आँख दिखाई है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिस्ट का जरा टाइटल हम हमेशा डिस्कस करते हैं, हफ्ते के हफ्ते डिस्कस करते हैं, ये है वो अमेरिका उनकी मदद पे नहीं आ रहा, वो मोदी जो है वो सारे अपने डिपेंड कर रहे थे कि चाइना मदद के लिए आ जाएगा। अब आपसे इत्तेफाकन बात हो गई, आप तो देखते रहे इंडिया में बड़े पॉपुलर हैं, क्या क्या मतलब क्या किया जाए, जबरदस्त कर दिया जाए? आप कहते हैं आप जबरदस्त कर दिया क्या, और जो इनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना चकरा गए, पागल हो गए, उनको समझ नहीं आ रही कि मैं अब किस तरह अपना ऊंट बिठाऊं, क्योंकि वो फंस चुके हैं। वो बताएं आप चाइना से पंगा ले रहे हैं, अबे भाई तुम हो क्या गया? मैं इंडियन आवाम अगर मुझे सुन रही है तो इंडिया के लोगों को मैं कहता हूं, भाई देखो आप पड़ोसी हो, खुदा के वास्ते ये मोदी तुम्हें मरवा देगा, इसको हटाओ, इसने हिंदू मुस्लिम फसाद कराए, फिर दूसरी चीजें कराई, फिर तीसरी चीजें कराई, अब ये समझते हैं कि हम लोग ऐसे बैठे हुए कि हमने तो वो जो हमारा हितम्बा मुद्दे जैसे खिलौना रखा है, हम तो मौका भी नहीं देंगे। मैं अगर हूं तो मैं तो पहले ही जब खुद ही खत्म हो जाएंगे, ये करेंगे क्या बाद में, ये पागल हो गया। अच्छा, तो ऐसे पागलों में मैं, इंडियन बड़े अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो कुछ लफूटर है उनको लेके उनकी जबान बोल रहे हैं, मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं वो हर एक के साथ कर रहे हैं, यानी कि मैं आई एम श्योर कि आप वक्त देखेगा आने वाला, ये इंडिया में खुद इंडिया के टुकड़े टुकड़े खुद करवाएंगे, आप देखेगा क्या वह मुस्लिम स्टेट भी बनेगा, बंगाल भी बनेगा, फिर आपका राजस्थान भी बनेगा, ये सारी चीजें अलग होंगी और इसके 34-50 के करीब है ना हिस्से होंगे। अच्छा, और इसमें कश्मीर जो है वो भी इंशाल्लाह हमें आवाजें दे रहे हैं, पुकार रहा है कश्मीर भी, जावेद भाई। भाई देखे इनको तो शर्म आनी चाहिए, अभी मैंने ओ, ओ, मैंने शर्म आनी चाहिए कि यार कोई ऐसा परिंदों के साथ भी नहीं करता, कोई जानवर के साथ भी नहीं करता, तो इन्होंने इंसान को बंद करके कितने साल हो गए बताइए, साल में हो गया भाई, इनको शर्म नहीं आती है? ये कैसे ह्यूमन बीइंग है, ये कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या आप कहे ना उन लोगों को क्यों सिर्फ मुसलमान होना गुनाह है? आज हम आपके हिंदुओं को पाकिस्तान में ये करते तो हमारे पे इंसानियत है फिर? तो ये तो हैवान से भी बदतर हो गए। क्या आदमी परिंदों को भी खोल के रखता है, दाना पानी देता है, पानी पिलाता है, ये तो इतने
इनके ऊपर जो कयामत आने वाली है, शायद भाई आप देखते रहिएगा इनका हाल क्या होना है, और ये मुझे कराएगा। जावेद भाई आपका बहुत शुक्रिया, और बस आपकी बात मुझे याद रहेगी, इनको जबरदस्त कर दिया जाए, वो पूरी कोशिश जारी है, और आप भी कीजिए, करते रहिएगा जावेद भाई। नहीं नहीं बिल्कुल मैं साथ हूँ, इंडिया के नाम पे मैं साथ हूँ, और इंडिया के लोग भी मेरे साथ हैं, आप फिक्र नहीं करें। ठीक है जावेद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।